हम लोग का यहाँ मतलब हैंडपम्प भी सूख जाता था और कुआं भी सूख जाता था। हमारा भाई दीदी जितना भी सदस्य सब था यहाँ का गांव वासी सब जाते थे कोसों दूर पानी लाने के लिए। पानी के लिए जद्दोजहद की दास्तान सुनाते हेमब्रम तब 16 साल के थे। रियासत झारखंड के जमशेदपुर से 20 किलोमीटर फासले पर सरजामदा के गांव जसकंडी में पानी की शदीद किल्लत थी। जेर जमीन पानी की सतह इतनी नीचे चली गई थी कि हैंडपंप से पानी का एक कतरा भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। गर्मी के दिनों में कुएं सूख जाते थे, लोगों को पानी के लिए हर दिन लंबा सफर तय करना पड़ता था। परेशानी के बाद लोगों को पानी की कीमत का एहसास हुआ और फिर इसके तहफ्फुज की कोशिश की गई। मुकामी लोगों की इस कोशिश को टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट ने ताउन दिया, क्योंकि टाटा स्टील के द्वारा रेन वाटर संरक्षण के लिए हम लोग को एक ग्राम सभा किया गया। ग्राम सभा करने के बाद में कि हम लोग ये योजना को ला के आप लोगों का शायद अगर पानी संचय हो जाएगा तो भविष्य में शायद आप लोगों को पानी का दिक्कत नहीं होगा, तो इसी लिए हम लोग ग्राम सभा के द्वारा अनुमति से वो लोग बनाया। मुकामी बाशिंदों ने एक ग्राम सभा मुनाकिद करके पानी के हर कतरे के तहफ्फुज का फैसला किया। टाटा के इश्तराक से देही बाशिंदों ने बारिश के पानी को जाय होने से रोकने का मंसूबा बनाया। इसके लिए झोपड़ी नुमा खपरैल मकानों की छत के चारों जानिब नालियों को लगाया गया। बारिश का पानी खपरैल से होते हुए नालियों में आता है, फिर पाइप के जरिए पानी को पुराने बोरवेल के गड्ढों या पुराने खुश्क कुएं में पहुंचाया जाता है। इस तरह बारिश का पानी जाय होने के बजाय रास तौर पर जमीन में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरे जमीन पानी की सतह बेहतर होती है। गांव के कुएं और तालाब सभी सूख जाते थे। अब जो ये वाटर और मिस्टिक जो संसाधन को यहाँ लगाया गया टाटा स्टील के द्वारा, इससे क्या है कि यहाँ पर पानी जब नहीं सूखता है गाँव के लोगों को बहुत फायदा होता है। इसे तैयार करने में हर मकान पर तकरीबन 1,500 रुपए खर्च हुए। टाटा ने लोगों को इसके लिए फंड मुहैया कराया। इस गांव जसकंडी में तकरीबन 20 मकानात हैं। यौमिया मजदूरी कर अपनी जिंदगी गुजारने वाले यहां के लोगों के लिए शुरू में ये मंसूबा बहुत ज्यादा फायदेमंद दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब इस गांव के कुएं और हैंडपंप में पूरे साल पानी रहता है। यहां तक के करीब के दूसरे गाँव के लोग भी यहाँ पानी लेने आते हैं। इस गांव में जेरे जमीन पानी की सतह 30 फीट है, जबकि गर्मियों में ये 40 फीट हो जाती है। पानी का बहुत ही हम लोग को क्राइसिस था। अभी जो हार्वेस्टिंग हुआ है इससे परसेंटेज में जो लेयर है ना, पानी का लेयर ऊपर आ गया है। बरसात के दिनों में पानी के तहफ्फुज का नतीजा है कि अब जसकंडी की खवातीन को पानी के लिए दूसरे गाँव नहीं जाना पड़ता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ही गांव एक मिसाल बन गया है और ऐसा मंसूबा बनाकर दूसरे कई गांव के लोग न सिर्फ पानी की परेशानी से निजात हासिल कर चुके हैं, बल्कि हर साल लाखों लीटर बारिश का पानी जाय होने से बचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।